चोपड़ा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर मैं हर्षाई चोपड़ा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, एमसीसी के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। मैं आपको इसमें स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊंगा कि कैसे आपने रजिस्ट्रेशन करना है। इसमें आपने कोई भी मिस्टेक नहीं करनी है। अगर आप यहाँ पर कोई मिस्टेक करेंगे तो वो आगे के लिए आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी उससे। तो जिस प्रकार से मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, उसी प्रकार से आपने रजिस्ट्रेशन करना है। चॉइस फिल का प्रोसेस अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, ये प्रोसेस 22 के बाद स्टार्ट होगा। तो चॉइस फिलिंग आपको 22 के बाद करनी है। अभी आपको रजिस्ट्रेशन करना है, फीस पेड करनी है। इसमें एक बड़ा बहुत चेंजिंग हुआ है इस बार के लिए, और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि इसमें जनरल कैटेगरी से भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। वैसे इसमें कैटेगरी चेंज होती नहीं थी पहले, लेकिन इस बार जिन कैंडिडेट्स के ईडब्ल्यूएस ओबीसी वगैरह के सर्टिफिकेट नहीं बने, वो जनरल से भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बड़ी खुशी की बात है इस बार स्टूडेंट्स के लिए। तो आप जैसे ही एमसीसी की वेबसाइट mcc.nic.in पर विजिट करेंगे, इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। इसमें आपको यूजी मेडिकल पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप यूजी मेडिकल पर क्लिक करेंगे, इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। और इसमें जैसे ही स्क्रॉल डाउन करेंगे, न्यू रजिस्ट्रेशन का कैंडिडेट एक्टिविटी बोर्ड के अंदर न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आपको यहाँ देखने को मिलेगा। इसमें जैसे ही क्लिक करेंगे, फिल न्यू फॉर्म का ऑप्शन आएगा, और जिसने पहले फॉर्म फिल कर रखा है उसके लिए, रजिस्टर्ड कैंडिडेट के लिए भी यहाँ ऑप्शन आएगा, जिसमें आप रोल नंबर और पासवर्ड डाल करके, कैप्चा डाल करके आगे साइन इन कर सकते हैं। लेकिन पहले हमने यहाँ रजिस्ट्रेशन करना है, तो न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में यहाँ आई एग्री पर क्लिक करेंगे। यहाँ एक बार इसको पढ़ सकते हैं। इसमें पासवर्ड पॉलिसी वगैरह दी गई है कि किस प्रकार से आपको पासवर्ड सेट करना है। आई एग्री पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन का स्टेप ओपन होगा। इसमें आपको रोल नंबर देने हैं, एप्लीकेशन नंबर देने हैं, कैंडिडेट नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ। इसके बाद सिक्योरिटी पिन डालने के बाद में आपने सबमिट करना है। तो जैसे ही आप सबमिट करेंगे, नेक्स्ट स्टेप पर इस प्रकार से पहुंच जाएंगे। यहाँ आपकी पर्सनल डिटेल होगी, जिसमें नीट के रोल नंबर वगैरह, ये सारी जो डिटेल्स है ये ऑटोमेटिक आती है। आपको यहाँ कुछ भी फिल नहीं करना है। यहाँ पर आपको पासवर्ड चूज करना है, यानी कि पासवर्ड चूज करने के बाद आप सिक्योरिटी पिन डाल करके यहाँ सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही सबमिट के बटन पर आप क्लिक करेंगे, आपके मोबाइल पर ओटीपी आएगा। यहाँ आपने डू यू विश टू सबमिट हर जगह करना है। मैं यहाँ पर आपको हर जगह ये स्टेप्स नहीं बताऊंगा, आपने हर जगह यस ही करना है इसको। यस कर देंगे, जो मोबाइल नंबर आपने एनटीए का फॉर्म फिल करते समय दिया था, वही मोबाइल नंबर पर यहाँ पर ओटीपी जाएगा। और जो ईमेल आईडी आपने उस समय दिया था, उसी ईमेल आईडी पर ओटीपी जाएगा। आप मोबाइल के ओटीपी भी यहाँ ड्रॉप कर सकते हैं और ईमेल के भी ड्रॉप कर सकते हैं। सिक्योरिटी पिन डालने के बाद में आपने वेरीफाई एंड फाइनल सबमिट पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपका जो ऑथेंटिकेशन का स्टेप्स है वो कंप्लीट हो चुका है। यहाँ इसमें आप एडिट तो नहीं कर सकते, लेकिन इस स्टेप को व्यू जरूर कर सकते हैं। तो व्यू करने के लिए आप व्यू ऑब्लिक एडिट ऑथेंटिकेशन फॉर्म पर क्लिक करेंगे, तो इस प्रकार से आपकी डिटेल आ जाएगी, पर्सनल डिटेल वगैरह, ये सारा जो आपने फॉर्म फिल किया था वही डिटेल यहाँ पर आती है। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो है एप्लीकेशन की। तो आपने यहाँ एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करना। आप यहाँ भी एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पर भी एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक कर सकते हैं। तो जैसे ही एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करेंगे, नेक्स्ट स्टेप एप्लीकेशन पर आप पहुंच जाएंगे। यहाँ पर आपको जेंडर फिल करना है। जेंडर में आपका ऑटोमेटिक जेंडर आएगा, यहाँ जो आपने नीट के एप्लीकेशन फॉर्म में दिया था। नेशनलिटी भी ऑटोमेटिक आती है। रिलीजन में आप अपना हिंदू जैन जो भी है यहाँ पर फिल कर सकते हैं। इसमें कैटेगरी के लिए यहाँ पर इस बार ऑप्शन ये दिया गया है कि आपका अगर ओबीसी कैटेगरी है, ईडब्ल्यूएस है, यहाँ जनरल भी फिल कर सकते हैं, ये भी फिल कर सकते हैं। आप हायर कैटेगरी यहाँ फिल कर सकते हैं। जैसे एससी एसटी के लिए भी अगर सर्टिफिकेट उनका मना नहीं है तो जनरल में अपनी सीट ले सकते हैं। यहाँ पर ये ऑप्शन दिया गया है। इसमें पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए यस या नो का ऑप्शन जो आपने नीट के फॉर्म फिल करते समय दिया था वही आएगा। और अगर आप AFMC के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो सेलेक्ट ऑप्शन में यहाँ यस और नो करना पड़ेगा। अगर AFMC के लिए सेलेक्ट करेंगे तो यस दे देंगे, अदरवाइज यहाँ नो कर देंगे। जब नो करेंगे तो फिर आपसे पूछा जाएगा कि क्या आपके पेरेंट्स सर्विंग रिटायर्ड इंडियन एयरफोर्स से हैं, तो अगर हैं तो यस कर दें, अदरवाइज नो करके सेव एंड सबमिट पर क्लिक कर दें आप।
फिर उसी प्रकार से डू यू विश टू सेव पर यस कर दें। यस करने के बाद जो आपका एप्लीकेशन का स्टेप है वो कंप्लीट हो चुका है। अभी जो नेक्स्ट स्टेप आएगा आपका वो क्वालिफिकेशन का स्टेप है। क्वालिफिकेशन के लिए आपको 12th की डिटेल यहाँ पर डालनी है, और 12th की डिटेल डालने के लिए जैसे ही आप स्कूल ओब्लिक स्टेट पर क्लिक करेंगे आपके पास यहाँ तीन ऑप्शन यहाँ पर मिलेंगे। सबसे पहले मिलेगा अगर आपने 12th जामिया से कर रखी है, दूसरा ऑप्शन मिलेगा एनसीटी अदर देन जामिया का मिलेगा, और तीसरा ऑप्शन मिलेगा अदर स्टेट के लिए। यानी कि ये दो तीन ऑप्शन यहाँ पर आपको मिलेंगे, जहां से आपने 12th क्लास पास की है वो ऑप्शन आप दे दें। अगर आपने दिल्ली से पास की तो एनसीटी अदर देन जामिया देना है, अगर अदर स्टेट से किया है तो अदर देना है। जब आप अदर देंगे तो इसमें पासिंग स्टेटस में पास्ट देना है, और पासिंग ईयर में रोल नंबर देना है, यहाँ पर क्लास 12th के स्टेट्स देने, स्कूल का एड्रेस देना है, स्कूल का पिन नंबर देना है, और इसके बाद में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के मार्क्स देने हैं। यहाँ पर इंस्टीट्यूट वाइज आपको ये दिखा रखा है कि एम्स के लिए क्या एलिजिबिलिटी है। मैं यहाँ पर एनसीटी ऑफ दिल्ली अदर देन जामिया करता हूँ, तो यहाँ पासिंग स्टेटस में पास्ट दे देंगे, पासिंग ईयर जो भी रहेगा, रोल नंबर दे देंगे, एनसीटी दिल्ली ऑटोमेटिक लिखा आएगा, स्कूल का नेम और एड्रेस दे देंगे, स्कूल का पिन कोड दे देंगे, और फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की डिटेल यहां फिल कर देंगे। अदर यहां पर अदर करते हैं, अदर स्टेट से आपने 12th क्लास पास कर रखी है, ऑल इंडिया के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, तो अदर करेंगे, या अदर करेंगे तो स्कूल ओब्लिक स्टेट लिखा है, आपने यहाँ स्कूल और स्टेट का नाम लिख देना है। अगर आप स्कूल का फुल एड्रेस यहाँ लिख रहे हैं स्टेट के नेम के साथ में तो कोई दिक्कत नहीं है, पासिंग स्टेटस में पास्ट आ जाएगा। जो आपने 12th क्लास पास की है उसका ईयर दे देंगे, रोल नंबर दे देंगे 12th क्लास के, और पासिंग स्टेट दे देंगे, स्कूल का एड्रेस, नेम और एड्रेस, पिन कोड देने के बाद में आगे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी के सब्जेक्ट फिल कर देंगे। यहाँ पर आपके मैक्सिमम मार्क्स शो हो जाएंगे और मिनिमम मार्क्स यानी ऑब्टेन मार्क्स शो हो जाएंगे, और परसेंटेज आपका यहाँ पर शो हो जाएगी इसमें। इसके बाद एम्स की जो एलिजिबिलिटी है वहाँ दिखाई गई है, ये आपको ये देख सकते हैं 50% चाहिए एससी एसटी ओबीसी के लिए, जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 60% मार्क्स होने चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और इसमें इंग्लिश में पास हुआ होना चाहिए। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर हम क्लिक करेंगे। अब मैं आपको एक चीज और बता दूं, जो यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं एनसीटी दिल्ली से 12th क्लास पास, उसके लिए यहाँ कंडीशन दी गई है कि वो कौन कौन सी कॉलेज में या एडमिशन लेना चाहते हैं ले सकते हैं, वीएमएमसी, सफदरजंग, और इसमें आरएमएल तो आईपी के अंडर है, और जो डीयू के अंडर है वो डीयू के अंडर एमएएमसी है, यूसीएमएस है, और इसमें एलएचएमसी है। तो ये कॉलेजेज यहाँ शो हो रखे हैं, यहाँ आपको दिखाई देंगे। अगर आपने 12th क्लास दिल्ली से कर रखी है, 11th 12th यहाँ पर ऑप्शन है, सेलेक्ट पर अगर दिल्ली से कर रखी तो यस कर देंगे, अदरवाइज नो कर देंगे, सेव एंड सबमिट पर क्लिक करेंगे यहाँ पर, तो आपका क्वालिफिकेशन का जो स्टेप है वो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट स्टेप है काउंसलिंग के लिए सिलेक्शन। अब आपको यहाँ पर कौन कौन सी काउंसलिंग के लिए सिलेक्शन करना है, ऑल इंडिया कोटा के लिए करना है तो ऑल इंडिया पर टिक करेंगे आप। इसके बाद ओपन सीट यानी एम्स, जिपमर वगैरह, बीएचयू, एएमयू के लिए करेंगे तो ओपन सीट पर क्लिक कर देंगे, बीएससी नर्सिंग के लिए करेंगे तो इस पर टिक कर देंगे, अदरवाइज डिम के लिए करते हैं, इन सभी पर भी कर सकते हैं आप। अब इनमें आर्मर्ड फोर्सेज आपने पहले वाले स्टेप में यस किया था तो यहाँ ऑटोमेटिक आ जाता है। अगर आप इस पर सिर्फ आर्मर्ड फोर्सेज यानी एएफएमसी में ही एडमिशन लेना चाहते हैं तो 5000 फीस लगेगी आपकी, लेकिन अगर आप ऑल इंडिया कोटा ओपन सीट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी जो फीस है 5500 ओबीसी के लिए है, और ओबीसी एससी एसटी के लिए 5500 है, ईडब्ल्यूएस जनरल के लिए 11000 यहाँ आपको फीस पे करनी पड़ेगी, और वो फीस यहाँ शो हो जाती है। अब अगर आप सभी के लिए करते हैं, ऑल इंडिया कोटा, ओपन, बीएससी नर्सिंग, डिम्ड के लिए करते हैं तो 2,05,000 रुपीज यहाँ आपको पे करने पड़ेंगे। इसमें आपका सभी काउंसलिंग के लिए आप इलिजिबल हो जाएंगे। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो जैसे ही क्लिक करेंगे आगे ये आपका काउंसलिंग के लिए सिलेक्शन है वो स्टेप कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट स्टेप है कॉन्टेक्ट डिटेल। कॉन्टैक्ट डिटेल में सबसे पहले कॉरेस्पोंडेंस एड्रेस फिल कर देंगे, परमानेंट एड्रेस आपका सेम है तो सेम एज कॉरेस्पोंडेंस एड्रेस पर टिक कर देंगे, सेव सबमिट पर क्लिक करेंगे ये सारी फिल करने के बाद में।
सेव एंड सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आगे का जो स्टेप है वो प्रीव्यू एंड फाइनल स्टेप्स है। इस पर क्लिक करेंगे तो आपका प्रीव्यू यहाँ दिखाई देगा, जो जो एप्लीकेशन फॉर्म में आपने फिल किया है वो सारी कंडीशनें यहाँ पर दिखाई देंगी, वो सारी स्टेप्स यहाँ पर दिखाई देंगी कि क्या क्या आपने यहाँ फिल किया है। अगर आप इसके अंदर सही है तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे सेव एंड फाइनल सबमिट पर क्लिक करना है। अगर आपने यहाँ कोई मिस्टेक्स कर दी है तो प्रीवियस स्टेप का यहाँ पर ऑप्शन है, रेड में शो हो रहा है, वो आप यहाँ प्रीवियस पर क्लिक करके उस स्टेप को राइट करके आगे फिर प्रोसीड कर सकते हैं। डिक्लेरेशन के चेक बॉक्स पर चेक करेंगे, यहाँ सेव एंड सबमिट पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने आएगा। यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन फीस पे करनी है, जिस जिस काउंसलिंग के लिए आपने सिलेक्शन किया है उसके लिए फीस अलग अलग है, वो मैंने आपको बताई है। पे रजिस्ट्रेशन फीस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आप यहाँ ऑनलाइन मोड सेलेक्ट करेंगे। अगर आप डिम्ड सभी काउंसलिंग के लिए कर रहे हैं तो 2,05,000 आपको पे करना है। अगर आप एम्स और इसमें ओपन सीट और ऑल इंडिया कोटा बीएससी नर्सिंग के लिए कर रहे हैं तो ओबीसी एससी एसटी कैंडिडेट को 5,500 और जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को 11,000 यहां पे करना है। आई एग्री पर क्लिक करना है, प्रोसीड पर क्लिक करना है। तो जैसे ही प्रोसीड पर क्लिक करेंगे इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। इसमें रजिस्ट्रेशन फीस आप इस प्रकार से डिपोजिट कर सकते हैं, और ये रजिस्ट्रेशन फीस डिपॉजिट करने के लिए आपके पास जो ऑप्शन रहेंगे, क्रेडिट कार्ड रहेगा, डेबिट कार्ड रहेगा, नेट बैंकिंग रहेगा और वैलेट रहेगा। अब इसमें एक ऑप्शन और यहाँ पर आपको शो होगा, अगर आप डिम्ड के लिए कर रहे हैं, सभी काउंसलिंग के साथ डिम्ड के लिए भी कर रहे हैं तो आपको इतने सारे ऑप्शन दिखाई देंगे, लेकिन अगर आप 11,000 का पेमेंट कर रहे हैं, जनरल ओबीसी में हैं, सॉरी जनरल ईडब्ल्यूएस में हैं, या फिर आप ओबीसी एससी एसटी में हैं, 5,500 का पेमेंट कर रहे हैं, तो आपको यहां पर एक यूपीआई का ऑप्शन और मिलेगा, यानी कि आप फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, भीम ऐप, इन सबसे यहाँ पेमेंट कर सकते हैं 11,000 का या फिर 5,500 का, जो भी आपके लिए एप्लीकेबल है। तो ये शो इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि यूपीआई पेमेंट 2,01,00,000 से ज्यादा नहीं होता है, इसलिए यहाँ वो शो नहीं होगा, वो 11,000 या फिर 5,500 की कंडीशन में शो होगा। तो आप फोन पे वगैरह से भी कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं। जैसे ही आप ये पेमेंट कंप्लीट कर देंगे यहाँ पर पे रजिस्ट्रेशन फीस का ऑप्शन हट जाएगा और इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। 22 के बाद यहाँ से आप चॉइस फिल कर सकते हैं, जैसे ही आप लॉगिन करेंगे 22 के बाद इस प्रकार का ये चॉइस फिलिंग का, चॉइस लॉकिंग का, सीट अलॉटमेंट रिजल्ट, ये ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। चॉइस फिल पर क्लिक करके फिर आगे आप चॉइस फिल कर सकते हैं, वो आपको हम आगे बाद में बता देंगे जब चॉइस फिलिंग का ऑप्शन स्टार्ट हो जाएगा, कैसे आपको चॉइस फिल करनी है, क्या क्या उनमें सावधानी बरतनी है और कैसे कैसे चॉइस फिल करेंगे, किस किन किन बातों का आप ध्यान रखेंगे, वो सारी बातें हम आपको यहाँ बता देंगे जब चॉइस फिल स्टार्ट हो जाएंगी। अब यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वेरीफाइड का यह ऑप्शन है, ये दोनों आप कर सकते हैं। वेरीफाई और मोबाइल नंबर पर क्लिक करके यहाँ मोबाइल नंबर वेरीफाई कर सकते हैं और ईमेल आईडी भी वेरीफाई कर सकते हैं। कैंडिडेट प्रोफाइल पर एक बार क्लिक करके आप सारी प्रोफाइल देख सकते हैं। जब चॉइसेस शुरू हो जाएंगी तो अवेलेबल चॉइसेस में आपकी सारी चॉइसेस यहाँ दिखाई देंगी। तो ये जानकारी थी कि आपने स्टेप बाय स्टेप ये फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, बिल्कुल मिस्टेक नहीं करनी है इसमें, इस प्रकार से आप फिल कर सकते हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड नहीं करना है, ये डॉक्यूमेंट्स आपको सीट अलॉट होने के बाद एमसीसी के पोर्टल पर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, अभी फिलहाल कोई डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं करना है। तो नेक्स्ट अपडेट के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप काउंसलिंग के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारी ऑल इंडिया आयुष वेटनरी स्टेट कोटा की बुक अवेलेबल है। इसको आप हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से या फिर हमारी वेबसाइट www.chopraeducation.in से डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे
हम आपसे संपर्क कर लेंगे। आपके जो भी डाउट हैं एक बार आप हमारे से क्लियर कर सकते हैं। उसमें पेड सर्विसेज हमने बंद कर दी हैं। पेड सर्विसेज के लिए हम किसी भी स्टूडेंट को अभी हेल्प नहीं कर सकते। तो ये जानकारी थी, आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। जैसे ही चॉइस फिलिंग का ऑप्शन स्टार्ट होगा हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। तो मिलेंगे नई अपडेट के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।